नमस्कार साथियों, मैं पंकज कुमार सिंह, नई लोक नई उड़ान एनजीओ के माध्यम से आप लोगों का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। आज कुछ ऐसी ही आवश्यकता हो गई है जिसके लिए मैं आप लोगों के साथ रूबरू करने आया हूं, क्योंकि आप लोग जो परिवेश से पले हैं, हम जो परिवेश से पले हैं, वो सबको पता है। क्योंकि गाँव का जो स्थिति है, अब देखते हुए गाँव में अशिक्षा है, स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं नहीं है, बच्चे अशिक्षित हैं, बेरोजगारी है, और जहां तक कहें भुखमरी भी है। क्योंकि अगर भुखमरी अगर अच्छी तरीके से अगर खत्म हो गया होता, ये राशन आदमी नहीं उठाता। अगर अपने आप में वो सक्षम होता तो राशन की आवश्यकता नहीं पड़ती, और जो भी योजनाएं सरकार की चल रही है उनकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती। शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जो किसी को नहीं दी जाती है। अगर हम योजनाएं की बात करें, सरकार द्वारा जमीन दी जा रही है, घर बनाने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, शौचालय बनाने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, और खाने के लिए राशन दिए जा रहे हैं, और बात करें तो पेड़ पौधा लगाने के लिए अलग से योजनाएं चल रही हैं। मतलब हर तरह की योजनाएं चल रही हैं, स्वास्थ्य संबंधित योजनाएं चल रही हैं, लेकिन जो मेन चीज है शिक्षा, उसमें सरकार पैसा खर्च कर रही है लेकिन सही तरीके से उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे, जिससे उन लोगों को सही शिक्षा मिले और वो खुद के रोजगार सृजन करें। तो यही सब सारी समस्याएं जो निपटे उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो उनका एक ही उद्देश्य है, जो ये सारी जो प्रॉब्लम है ये कैसे सॉल्व होगा, तो हम लोग का एक ही उद्देश्य है, जो बच्चे अभी छोटे हैं, जिनके माता पिता पढ़ाने में असमर्थ हैं, बाहर कमाते हैं, खाते पीते हैं, लेकिन वो अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते हैं, और सरकारी स्कूल का जो स्थिति है, स्थिति क्या बोले दुर्गति है, वो हर किसी को मालूम है। हाँ, कुछ ऐसे विद्यालय हैं जहाँ अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है, लेकिन आप हर स्कूल के बारे में नहीं बोल सकते हैं। हम लोगों का एक ही उद्देश्य है, जो बच्चे हैं वो अच्छी शिक्षा लें, और आने वाले समय में वो उनके पिता मजदूर हैं तो वो भी मजदूर ना बने। क्योंकि शिक्षा ही ऐसी कड़ी है जिसमें आप घर की गरीबी, स्वास्थ्य संबंधित और जितने भी तरह की बैरियर है, वो सारे बैरियर को आप शिक्षा के माध्यम से तोड़ सकते हैं। हमारे जो निःशुल्क केंद्र चल रहे हैं उनमें आप लोग कुछ अपना योगदान दे सकते हैं, और जो शिक्षक सब अभी अपना सेवाएं दे रहे हैं तो उन्हें कुछ मदद मिलेगी, जिससे उनका हौसला बना रहेगा और ये हमारी जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलते रहे। थोड़ा बहुत आप लोग अपना योगदान देकर इस जो मुहिम चला है उसके आप सहभागी बन सकते हैं और पुण्य का भागी बने। धन्यवाद।